सरोकार। सीएम योगी का अलीगढ़ दौरा, प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हुए शामिल। आगरा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया बयान, निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। लखनऊ में कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता, किसानों की समस्याओं को लेकर हुई चर्चा। कानपुर में विधायक इरफान सोलंकी की सुनवाई टली, 1 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। बुलंदशहर में यातायात पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, लोगों को यातायात के प्रति किया गया जागरूक। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे, यहाँ उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि शहर का अपना ऐतिहासिक महत्व है, यहाँ विकास तेज गति से हो रहा है। आपको बता दें कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब यूपी में नौकरी के लिए सैफई परिवार वसूली करने नहीं जाता। एक वह दौर था जब कहीं चाचा और कहीं भतीजा नौकरी के लिए वसूली करने निकल पड़ते थे, अब वह सब बंद है। साथ ही कहा कि दंगा दंगाई और उनको सरपरस्ती देने वाले भी खत्म हैं। उन्होंने आने वाले निकाय चुनाव में भी भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की तरह जब निकाय में भाजपा की सरकार बनेगी तो डबल इंजन की सरकार का विकास वहां भी दिखाई देगा। एक एक योजना व्यक्ति के स्वावलंबन से लेकर के उसके सम्मान का प्रतीक बनी है और आज इन्हीं सब बातों को लेकर के कि जो लोग जातिवाद के नाम पर क्षेत्र मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे, देश और प्रदेश ने उन्हें दरकिनार करते हुए विकास को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर देश के अंदर और प्रदेश के अंदर निरंतर परिवर्तन का वाहक बन करके डबल इंजन की सरकार दी। डबल इंजन की सरकार ने भी आपके सम्मान की रक्षा और आपकी सुरक्षा का बेहतर माहौल देने का कार्य किया है। लखनऊ में सरकार की महत्वाकांक्षी कौशल विकास योजना में दागदार अधिकारी की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि राजीव कुमार यादव, जो कि कौशल विकास मिशन विभाग में तैनात हैं, उनको इतना महत्वपूर्ण पद कैसे दिया गया, जबकि उन पर कोई पुराने भ्रष्टाचार के मामलों की जांच चल रही है। इसके लिए बकायदा अम्बेडकर नगर के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष संतोष कुशवाहा मुख्यमंत्री के नाम पत्र भी लिख चुके हैं और वहीं विकेटी विधायक योगेश शुक्ला भी राजीव कुमार यादव की तैनाती को लेकर सवाल उठाए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार इस महत्वपूर्ण मामले में कब संज्ञान लेगी। आगरा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो सुशासन दे सकता है। वहीं पूरे देश में जारी डेंगू के कहर को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि पूरा स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पे है। प्रदेश के सभी जिलों में अस्पताल पर डेंगू मलेरिया का इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। नगर निकाय चुनावों को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा में और 2 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जनता में बहुत उत्साह है और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के लाइन आर्डर को जनता सराहना कर रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। स्थानीय निकाय चुनाव में हम अपने कार्यकर्ताओं की टोली बनाकर जन जन में जा रहे हैं और जो केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है और आगरा नगर निगम में विशेषकर हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। नगर निगम के चुनाव में
हम दोबारा प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी ने पब्लिक के नेता कहे जाने वाले राजीव दुबे को टिकट दे दिया है। राजीव दुबे को 5100 वोट से छिबरामऊ की जनता ने जिताया था। राजीव दुबे ने शपथ लेने के बाद नगर का भ्रमण किया और अपनी एक डायरी में समस्याओं को नोट किया और समस्याओं को देखते हुए राजीव ने उन समस्याओं को निस्तारण के लिए कदम आगे बढ़ा दिए और राजीव दुबे ने छिबरामऊ नगर में जो पिछले कई कार्यालय में नहीं हुआ उन्होंने अपने कार्यालय में सड़कों का निर्माण हो या पेयजल व्यवस्था, शौचालय का निर्माण आदि कई योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का काम किया है। आपने एक्टर शाहिद कपूर की फिल्म मीटर चालू बत्ती गुल तो देखी ही होगी, लेकिन यूपी के औरैया जिले में बिजली चोरों के द्वारा ठीक उल्टी फिल्म ही बना डाली गई। यहाँ बत्ती चालू और मीटर गुल रखने वाले बिजली चोरों ने विद्युत विभाग को भी हैरत में डाल दिया है। मामला औरैया कोतवाली के नारायणपुर में चल रही ऑयल मिल का है, जहाँ विद्युत विभाग की टीम ने चोरी की सूचना पर छापेमारी की तो आला अधिकारी भी हैरान रह गए। यहाँ विद्युत विभाग के द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर बिजली चोरों के मन मुताबिक रिमोट कंट्रोल से संचालित किए जा रहे थे। हालांकि विद्युत विभाग के द्वारा 35 किलोवाट की स्वीकृति होने के बावजूद मीटर में डिवाइस कंट्रोल लगाकर लाखों रुपए की बिजली चोरी की जा रही थी। हाथरस और आगरा औरैया की विद्युत विभाग की टीम ने छापेमारी की तो उसका खुलासा हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर आगरा से रेड टीम की इकाई एवं हाथरस की बिजनेस टीम के द्वारा आज औरैया शहर में रात्रि में विद्युत चेकिंग की गई, जिसमें गुप्त सूचना के आधार पर मीटर में रिमोट लगा के एवं ऐसी डिवाइस जिससे मीटर को धीमा किया जा सके लगा के विद्युत चोरी की जा रही थी, जिसमें मौके पर डिवाइस एवं रिमोट कंट्रोल बरामद हो गया, जिसके पश्चात विद्युत का विच्छेदन करा के मीटर को कब्जे में लेके। गौ रक्षा को लेकर योगी सरकार समय समय पर उनकी सुरक्षा को लेकर निर्देश देती रहती है, फिर भी प्रशासन गायों की देखरेख में अनदेखी करता नजर आया है। एक ऐसा ही मामला बंदायू के आलापुर से सामने आया है। आपको बता दें कि दो दिन से मंदिर के पास मृत गाय का शव पड़ा है, प्रशासन को सूचना के बाद भी कोई सुध नहीं है, जबकि वहीं रहने वाले युवक का कहना है कि कोई कर्मचारी इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है। नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों में गौशाला तो बनवा दी गई है, लेकिन गाय भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर रही है और जिम्मेदार अधिकारी गौवंश की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। समस्या ये है साहब कि ये कल से बच्चिया मरी पड़ी है यहाँ पे, कोई भी नगर पंचायत का कर्मचारी इसे देखने नहीं आया, ना ही इसे उठाने आया, रात से मरी हुई पड़ी हुई है ये और उसके बाद से कुत्ते खा रहे हैं। अच्छा, ये हमारे राम भगवान की सरकारें चल रही हैं ये, हाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी मोदी जी हैं हमारे यहाँ पे, हाँ उनकी निगरानी के होते हुए भी इतनी लापरवाही है। नगर पंचायत में हमारे जो युवा साहब हैं राजीव कुमार जी, वो कभी कभार आते देखने के लिए और सख्त आदेश उन्होंने कर रखे हैं अपने कर्मचारियों के लिए कि किसी की जनता की नहीं सुनी जाए, जब तक मैं आदेश ना करूं तब तक कोई भी कार्य नहीं किया जाए। बुलंदशहर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलोक कुमार के नेतृत्व में यातायात नियमों के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस ने आम जन को यातायात के प्रति नियमों के बारे में जानकारी दी। वहीं पुलिस ने पालन करने वाले दुपहिया वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित भी किया, साथ ही जरूरतमंदों को हेलमेट वितरण किए गए। जिन वाहन चालकों ने हेलमेट नहीं पहने थे उन्हें माला पहनाकर हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कानपुर में जाजमऊ में जमीन में को कब्जे को लेकर महिला की शिकायत पर सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी को अभी अग्रिम जमानत नहीं मिली है। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत को लेकर जिला जज की कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई होनी थी, जिला जज ने अब इस मामले में सुनवाई 1 दिसंबर को कर दी है। विधायक जी की जमानत पे हेयरिंग होनी थी, सरकारी वकील प्रोसिक्यूशन ने कहा आईओ छुट्टी पर हैं, सीडी नहीं आई है, कमेंट्स नहीं आए। इस पे मैंने माननीय न्यायालय से कहा
कि पूरे कानपुर की पुलिस, पूरे कानपुर के पुलिस के अधिकारी यहाँ पर हैं, उसी आईओ को छुट्टी पे क्यों जाना पड़ा। तो माननीय न्यायालय ने कहा मैं इंटरिम दे रहा हूँ, किंतु सरकारी वकील ने कहा कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने 1/12 ये कहते हुए समय दिया है कि अगर 1/12 तक सीडी कमेंट्स नहीं आए तो हम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लेंगे। रायबरेली में अराजक तत्वों ने अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राणा बैनी माधव की प्रतिमा के साथ लगे शिलापट पर कालिक पोतने का मामला सामने आया है। जानकारी मिलते ही राणा बैनी माधव समिति से जुड़े कई लोग मौके पर पहुंच गए। समिति के लोगों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी है। सूचना पाते ही सीओ सदर वंदना सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आनन-फानन में शिलापट पर लगी कालिक को साफ करवाया। ऐसी अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ क्या हुआ भी? यहाँ हम आए तो हमने देखा कि यहाँ पर जहाँ राणा बैनी माधव जी की प्रतिमा लगी हुई है तो वहाँ पर काली पोती हुई थी। तो हमने तत्काल राणा बैनी माधव समिति के सदस्यों से संपर्क किया, उनको बताया कि यहाँ पर जो है किसी अराजक ने जो है काली पोत दी है। ये दरअसल गलत है और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग बैंसवारा से हैं और बैंसवारा में अगर जो है राणा बैनी माधव जी के साथ ऐसा हो रहा है तो कतई नहीं बर्दाश्त होगा और इस पर जो है या तो प्रशासन संज्ञान ले, हम इस पे आपार की लड़ाई लड़ी जाएगी। रायबरेली में लालगंज कोतवाली क्षेत्र के NH-232 पोशाला हाईवे के पास तेज रफ्तार दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 3 लोग घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान डॉक्टरों ने 2 लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। सिद्धार्थ नगर में गांव में सन्नाटा पसर गया। आपको बता दें कि नव युवक का शव कमरे के अंदर फंदे से लटकता मिला। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूरा मामला गोलहोरा थाना क्षेत्र के ग्राम नागापारा का है। इसमें इमरान सनोप रफीक, इसकी उम्र करीब 23 वर्ष है। ये 6 महीने पहले इसकी शादी हुई थी और ये बम्बे में रहता था। अभी 10 नवंबर को यहाँ आया है और आज इसने एक दुपट्टे से आत्महत्या कर ली, हैंग कर लिया है। तो सबके पास गए हमने और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की जो भी कार्रवाई होगी आपको बता दीजिए। घटना हुआ है कि लौड़ा शादी किया था लड़के का, तो मतलब 15-9 तारीख को आए हम लोग। 9 तारीख के बाद में 15 तारीख के लड़की को उसका भाई लेके गया, तो लेके गया तो उसके बाद में लड़की वहाँ पे मतलब उसको पायल चाहिए था, मोबाइल चाहिए था, मतलब घर की बुराई उसकी माँ बहुत की हमारी। तो हमारा लड़का बोला कि दिन ठिकाना सब रख के आया था, 28 तारीख को दिन रखा था। तो बीच में उनके घर वाले बोले मैं लड़की नहीं भेजूँ। लड़की बोले कि जाओ तुम दूसरा शादी कर लो, मैं भी दूसरा शादी कर लूँगा। इसी में दोनों से मगजमारी, उसके बाप से उससे मगजमारी चल रहा था। और खबर यूपी की सीतापुर से है, जहां शहर के मुख्य बाजार में मंदिर के सामने मांस मंदिर का सेवन करने का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसमें अब राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हटाने का बीड़ा उठाया गया है। इसका ज्ञापन शहर कोतवाल तेज प्रताप सिंह को दिया गया था, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई ना होने के बाद एक बार फिर से ज्ञापन दिया गया है और 7 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया गया है। इस दौरान हमारे प्राइम टीवी संवाददाता ने राष्ट्रीय हिंदू सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू से इस बारे में विस्तृत रूप से बात की। इस समय जनपद में एक मुद्दा काफी गरमाया हुआ है जो कि हनुमान मंदिर के सामने मांस मंदिर का सेवन करने से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, सीतापुर शहर के मुख्य बाजार में स्थित बड़े हनुमान मंदिर के सामने इंडियन होटल नामक एक रेस्टोरेंट है जिसमें कि मांस मदिरा का सेवन किया जाता है, जिसके विरोध में हिंदू सेना संगठन उतरा हुआ है और उन्होंने
कसम खाई है कि इस होटल को बंद करा के रहेंगे, क्योंकि यह एक मंदिर के सामने मातमंदिर का सेवन होता है, जबकि शासन के आदेशानुसार किसी भी मंदिर, स्कूल, अस्पताल के आसपास भी मांस एवं मदिरा का सेवन नहीं होता है। हमारे साथ इसी चर्चा को बात करने, किसी चर्चा में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू जी। हम बात करेंगे इनसे कि क्या है पूरा मामला। जी देखिए, जिस तरीके से हम हिंदुओं की आस्था के ऊपर वार किया जाता है हर जगह, आज घंटाघर के छोटे हनुमान मंदिर के सामने एक नॉनवेज की दुकान चल रही है, ना जाने कितने सालों से चल रही है, ठीक है, जिसपे अब हम लोग के संज्ञान में मामला आया है। उस पर हमारी यही मांग है कि उसको तत्काल रूप से बंद कराया जाए। आप वेज बेचिए, प्योर वेज बेचिए मंदिर के सामने, हमें आपत्ति नहीं है। आप कहेंगे तो मैं स्वयं उद्घाटन आपकी दुकान का करने आऊंगा, पर मंदिर के सामने मास्क नहीं बिकेगा और ना ही मंदिर के पास या सामने 100 मीटर के अंदर किसी भी शराब की दुकान चलेगी। अब आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा हिंदुओं की, और यही प्रण लेके राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना मैदान में अभी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, हफ्ते भर का समय मांगा है। अगर हफ्ते भर के अंदर वो दुकान नहीं बंद कराई गई तो राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना की पूरी टीम वही मंदिर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगी, बाकी उसके आगे हनुमान जी की मर्जी जो भी हो। गत 12 नवंबर को आपने एक ज्ञापन दिया था, जिसमें उसमें आपको क्या आश्वासन मिला था जो कि आपको दोबारा कल एक फिर ज्ञापन देना पड़ा? देखिए, हफ्ते भर का हम लोग ने टाइम दिया था, ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों को बताया गया कि ये फूल इंस्पेक्टर इस काम में वो करेंगे, ठीक है, इसकी जांच करेंगे, जिस प्रकार से हमारे महासचिव जी ने फूल इंस्पेक्टर से बात करी, ठीक है, उनसे भी हम संतुष्ट नहीं हुए उनकी बात पर, उनके हिसाब से तो कोई लॉ नहीं है, ठीक है, जबकि पूरा पेपर मैंने उनको दिखाया, बात कराई कि क्या क्या लॉ है, क्या क्या एक्ट है, और उन्होंने उसको नकार दिया। तो मेन हमारा सवाल फूड इंस्पेक्टर से है कि अगर वहां पे ऐसी चीज चल रही इतने सालों से, तो आपने क्या खाया पिया है उनसे जो आप इतने दिन से इनको परमिशन दे रहे हो मंदिर के सामने मांस बेचने की? तो ये हमारा उनसे जवाब मांग है। जब जनपद में ऐसे कई धार्मिक स्थान हैं, सार्वजनिक जैसे मान लीजिए अस्पताल है, स्कूल्स हैं, इनके आसपास भी कई जनपद में ऐसे कई संस्थान हैं जहां पर शराब बिक्री, खुले में मांस बिक्री चल रही है, इस पर क्या विचार है आप लोग? देखिए, वो सब बंद होंगे, शुरुआत हम लोग ने कर दी है, मैंने आपसे पहले भी कहा हमारी आस्था के साथ किसी भी प्रकार का मजाक नहीं होगा, कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा। अभी एक दुकान बंद होगी, आने वाले समय में अगर वो अपने आप ही बंद कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर हमें उनकी दुकान में ताला लगाना पड़े तो ये भी काम राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना की टीम करेगी। तो आपने देख लिया कि हिंदू शिवसेना जो संगठन है वह इन सब चीजों पर खरी उतर रही है, और कहीं ना कहीं अब उन्होंने एक बीड़ा उठा लिया है कि किसी भी धार्मिक संस्थान के या धार्मिक स्थल के आसपास के 100 मीटर के दायरे में ना तो खुले में मांस का सेवन किया जाएगा और ना ही मदिरा का। कैमरा पर्सन राम प्रकाश मिश्रा के साथ सुनील तिवारी, प्राइम टीवी सीधा। औरैया में अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में बीगापुर गांव के निवासी का नेशनल हाईवे किनारे युवक का शव पड़ा मिला। शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि शव के पास खून के निशान भी मिले हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। आए थे हम, नींद करते हैं 8:30 बजे, तो कोई दिक्कत नहीं, शाम को 9 बजे घर से निकल के वहां से रास्ते में आए, 10 बजे फोन हुआ लेकिन उनका मर्डर हो गया। या कहीं पर कोई आपका आशंका? कोई आशंका नहीं, सबसे अच्छे मतलब गांव में किसी पूछ ले, कोई आशंका नहीं, किसी से किसी लड़ाई कभी नहीं। गोंडा में शातिर जालसाज को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि गिरफ्तार युवक फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेनामा करने और हत्या का आरोपी है। आरोपी के ऊपर पहले से ही 30 से अधिक संगीन धाराओं में मामला दर्ज है। शातिर अपराधी को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। रायबरेली में हरचंदपुर क्षेत्र के केटीएल में बाइक सवार युवक को बचाने के चक्कर में कार डिवाइडर से जा टकराई। आपको बता दें कि लखनऊ से इलाहाबाद की ओर जा रही एक बाइक को बचाने के चक्कर में गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। वहीं बाइक चालक को आई गंभीर चोट से, बाइक चालक को पुलिस की मदद से नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहाँ युवक का इलाज चल रहा है।
योगी सरकार ने जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर निर्देश दिए थे। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन भी किया था। आपको बता दें कि हमीर मऊ के ग्राम प्रधान का एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा क्षेत्र के ट्रैक्टर चालकों से अपील की गई है कि लोगों ने अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को एक शिकायत पत्र भी दिया है और कहा गया कि ग्राम प्रधान के द्वारा जिस तरह से सरकारी जमीनों पर कब्जा करवाया जा रहा है वह गलत है, क्योंकि जिस जमीन को ग्राम प्रधान लोगों को देने की बात कह रहे हैं उस जमीन पर क्षेत्र की सैकड़ों आवारा गोवंश रहते हैं। वहीं जिला अधिकारी ने लोगों को मदद का आश्वासन दिया है। खेत नहीं बोया जाता, खाने के लिए गेहूं नहीं है, तो इसलिए हम लोग आए थे गंगा किनारे। कितने लोग आए हैं आप लोग? 100-150 आदमी हैं। किसके साथ आए हैं? प्रधान के साथ। ग्राम सभा के हरिजन दलित मजदूर लोगों के हैं ये लोग। गंगा कटरी में बहुत पहले से खेती करते आ रहे हैं, एक वर्ष के लिए करते हैं, एक फसल लेते हैं, उसी पे इनका जीवन यापन चलता है। कुछ लोगों ने इसमें विरोध किया है। कौन लोग हैं विरोध करने वाले? विरोध करने वाले पूर्व प्रधान ग्राम सभा हमीरमऊ के दल बहादुर सिंह हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण वैसा विरोध कर रहे हैं। हम लोग एकदम गंगा के किनारे के रहने वाले हैं और हमारे लोगों के पास जमीन नहीं है। ये हमारे जितने लोग हैं लगभग तो सब भूमिहीन है, लेकिन कहूँ पास है भी तो 1 बीघा 15 बिसुआ, जैसे हमारे पास खाली 18 बिसुआ हमारे पास हो। और हम जब लोग जमीन की दिक्कत से और पहले पट्टा रहा है, सनस्सी से पट्टा भे रहे हैं, हम लोग हुआ करते रहे लेकिन बीच में खारिज हुई गए। कछार की जमीन है, हम लोग भूमिहीन हैं, हम लोगों के पास जमीन नहीं है, इसके वजह से उसमें हम लोग जीवन यापन करते हैं। 2017 में रसीद काटी गई थी, तब भी हम लोग बोए रखे थे और इससे पुराना पट्टा था सर, उसमें खारिज हो गया है। लखनऊ में कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने प्रेस वार्ता की। ये प्रेस वार्ता कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हुई। प्रदेश में कोई खुशहाल नहीं है, किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। वहीं सरकार किसानों की तकलीफों को संज्ञान में लेकर तुरंत निस्तारण की बात कह रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार में किसानों पर अत्याचार हो रहा है। प्राइम उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।